बहुत खुश हूँ सर, मतलब मेमोरी बढ़ा भी सकते हैं तो मुझे सर EMG क्लास स्टार्ट होने के बाद पता चला है। तो बताइए एशिया टेलीकॉम सिर्फ कहता है कि करके दिखाता है? करके दिखाता है सर, कहता कि मैं खुद कर रहा हूँ, मतलब मैं तो यही बोलूंगा कि करके दिखाता है। करके दिखाता है, यस सर। आने वाले स्टूडेंट के लिए क्या बोलना चाहेंगे? आने वाले स्टूडेंट के लिए यही बोलना चाहूंगा, जितने जल्दी बैग पैक कर सकते हो करो और आ जाओ। बैग पैक करो और आ जाओ। आ जाओ, 28 अक्टूबर की एक बैच है, फटाफट ज्वाइन कर लो। तो ये जो आपको देखिए, जो सिखाने के हमारे अंदाज है, जो सीखना सिखाने के, देखिए हर एक चीज तो सब कुछ कर सकता है, लेकिन खुद करना और दूसरों से कराना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। बहुत ज्यादा सर इस मामले में, मतलब कैसा रहा मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस, तो वो बहुत अच्छा था। मतलब मैं अब आप कुछ सोचो सर, मैं 2 साल से दुकान पे हूँ लेकिन मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, और मैं 1 महीने में आज इतना कुछ सीख गया हूँ कि मैं आपके सामने बैठ के कुछ कर रहा हूँ। तो आप इमोशन चेंज भी कर रहे हैं, अपना भी कर रहे हैं। मैं सच बताऊँ आपको, मैं 2 महीने पहले तक मुझे सिर्फ इतना पता था कि EMMC नाम की कोई चीज़ होती है और उसकी वजह से प्रॉब्लम आता है तो हमारी दुकान पर वो मोबाइल नहीं बनता है। अच्छा, इतना मुझे पता था, लेकिन अब मुझे पता है कि EMMC क्या होती है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ होती है और मैं उसके अंदर क्या क्या चीज़ कर सकता हूँ। अभी मैं अब देखो दैट मेरे पास IC था ही नहीं, मैंने कहीं से जुगाड़ करके IC लिया, वो लेके मैंने प्रोग्रामिंग किया वर्जन मैच करके, और अब लगा रहा हूँ और देखो मोबाइल को अपग्रेड भी कर दिया। मतलब वो 2 साल का नॉलेज जो था और वो 1 महीने का नॉलेज है, बहुत भारी हो गया। हम सुनते हैं सिर्फ अपनी जिद की। जिद है मेरा फितूर, जिद है मेरा गुरूर, जिद है मेरी जुर्रत। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मिलन एशिया टेलीकॉम की तरफ से। आप देख रहे हैं एशिया टेलीकॉम के फेसबुक पेज लाइव भी हो सकता है, या तो फिर देख सकते हैं हमारी यूट्यूब में ये वीडियो। तो हमारे साथ एक स्टूडेंट है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहसिन अली है। मोहसिन जी, आप कहाँ से हैं? मैं कल्याण से हूँ। अच्छा, अब आपकी जो क्लास चल रही है, ये day 1 से लेकर अभी तक चल रही है, तो सबसे पहले आप आके हार्डवेयर ज्वाइन किए, तो हार्डवेयर का कैसा रहा, क्या रहा? सर हार्डवेयर का नॉलेज तो बहुत अच्छा मिला मुझे, पहले तो मुझे नॉलेज था नहीं हार्डवेयर का, लेकिन अब एग्जैक्टली पता है कि मुझे कहाँ काम करना है, कौन सा फॉल्ट आएगा तो मैं कहाँ जाऊँ, किस से रिलेटेड फॉल्ट कब आता है, कब क्या करना है, वो एग्जैक्टली जो लोकेशन है वो मुझे पता चल गया है, कब कितना वोल्टेज कहाँ आता है वो भी पता चल गया। ये जरूरी है कि नहीं जरूरी है? कि बहुत जरूरी है सर। कहाँ पे क्या ITC प्रोटोकॉल कहाँ पे चल रहा है, कहाँ पे स्विचिंग हो रही है, कहाँ पे LX की लाइन है, ये सारी चीज जरूरी है कि नहीं जरूरी? बहुत जरूरी है सर, इसके बगैर तो आप काम ही नहीं कर पाओगे। अच्छा मुझे बताइए, उसके बाद आपने दुर्गे सर से सॉफ्टवेयर की क्लास ज्वाइन की, सबसे पहले तो देव सर से मिले आप? देव सर के मिलने के बाद उसके बाद हमारे दुर्गे सर से भी मिले, तो दुर्गे सर का जो सॉफ्टवेयर है वो कैसा रहा? सॉफ्टवेयर तो बहुत अच्छा था सर, मतलब पहले तो हमने सॉफ्टवेयर मतलब किया ही नहीं था, अब तो ऐसा लग रहा है कि आप सॉफ्टवेयर में भी काम कर सकते हैं। मेरी शॉप पे पहले काम आते थे तो मैं दूसरों को दे देता था, नहीं ये सॉफ्टवेयर का काम है आप किसी और को दे दो, लेकिन अब मुझे ये भी पता है कि सॉफ्टवेयर नहीं हुआ तो उसके बाद मुझे क्या करना है। बिल्कुल, अब उसके बाद आपने EMMC ज्वाइन किया, EMMC कैसा रहा सफर आपके 4 दिन? EMMC तो बहुत बढ़िया लगा सर, बहुत बढ़िया, मतलब ऐसा लगा कि आप मतलब फुल पैकेज हो गया। पहले तो ऐसा लग रहा था कि हाँ चलो ठीक है हार्डवेयर में हम कर लेंगे, लेकिन हार्डवेयर में आप प्रोग्रामिंग भी सीख रहे तो एक अलग ही लेवल आ जाता है फिर। बिल्कुल बिल्कुल, अब अभी मुझे क्या करके दिखाने वाले हैं, या दोस्तों को थोड़ा बहुत जानकारी तो देने वाले हैं, क्या जानकारी देने वाले हैं? सर ये जो फ़ोन है, हम इसका जो है हमारे पास पहले IC नहीं था, लेकिन अब हमने IC जो है प्रॉपर मैच करके, अब इस IC के थ्रू हम इस बोर्ड को अपग्रेड कर रहे हैं, जो 464 था उसको 128 GB के पास लेके। मतलब एक फ़ोन है जिसमें दोस्तों, ये एक फ़ोन है जो 64 GB में आता था, अब वही फ़ोन को आप IC को चेंज करके, स्टोरेज IC जिसको EMMC IC को चेंज करके 128 GB में कन्वर्ट कर रहे हैं। अच्छा बताइए, 128 GB में कन्वर्ट करेंगे
तो उसके साथ रैम भी अपग्रेड होगा क्या? रैम अगर कभी इस आईसी में अगर रैम अपग्रेडेड रहेगा तो वो भी अपडेट होके आ जाएगा, मतलब हम रैम भी अपडेट कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इसमें 6GB की रैम है। यस यस, तो रैम के लिए कोई प्रोग्रामिंग करना पड़ेगा क्या? नहीं, रैम के लिए कोई प्रोग्रामिंग नहीं होता, जो रोम है उसके अंदर हमको प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है। चलिए, तो आपने आईसी खुद खोल ली है और आईसी भी ले लिए? खोल लिया और साफ भी हो गया। चलिए मुझे अब प्रोग्रामिंग करके दिखाइए किस तरीके से क्या होता है, थोड़ा दोस्तों को एक्सप्लेन करिए तो ताकि थोड़ा सा ज्ञान। पहले हम इस आईसी को यूएफआई बॉक्स में डालेंगे और यूएफआई बॉक्स में इसको डालने के बाद हम इसके अंदर पहले आइडेंटिफाई ईएमएमसी करेंगे, तो हमको उसके अंदर थोड़ी डिटेल मिल जाएगी एंड देन हम उसके आगे बढ़ेंगे। तो पहले मैं इसको यूएफआई बॉक्स में डाल देता हूँ एंड देन हम देखेंगे क्या। Don't play with my heart, just let me go, please let me go. You like to love so hard and then you throw it away. You like to open scars and then you blame it on me. You're someone I can never be with. You joke about my flaws and तो यहाँ आप देख सकते हैं दैट ये ईएमएमसी आईसी जो है वो आइडेंटिफाई हो गई है। अगर हम देख लेते हैं दैट यहाँ उसकी आइडेंटिफिकेशन में कौन कौन सी चीज़ें जो है वो हमें समझनी है, तो जैसे वहाँ पे जाके एक्सप्लेन कर दीजिए कौन सा कहाँ पे कितनी जीबी की क्या लिखा हुआ है। जैसे आप यहाँ देख सकते हो दैट ये जो ईएमएमसी आईसी है ये 8 बिट की है, जनरली 8 बिट में हमको लेना पड़ता है। हम 8 बिट मतलब डाटा की लाइन, डाटा की लाइन 8 डाटा की लाइन कनेक्टेड है। वैसे ईएमएमसी में जनरली 8 डाटा की लाइन होती है, डाटा 0 से लेकर डाटा 7 तक, तो ये सारी की सारी लाइन ये बता रहे दैट सब कनेक्टेड है। उसके बाद आप ये देख सकते हो दैट ये प्रोडक्ट का नेम जो है वो भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग आईडी जो है आप देख सकते हो यहाँ सैमसंग लिखा हुआ है, मतलब सैमसंग ब्रांड का आईसी है। अच्छा मुझे बताए एक चीज, क्या आपको सिर्फ सैमसंग ब्रांड के आईसी लोगे चलेगा या तो फिर कोई सा ब्रांड का भी आईसी लोगे चलेगा? आप कोई सा भी ब्रांड का आईसी हम लेंगे तो वो चल सकता है, लेकिन उसका जो स्पेसिफिकेशन है वो मैच होना चाहिए। उसके बाद हम सीआईडी और सीएसडी ये समझेंगे, लेकिन ये समझने के लिए आपको इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ बहुत सारी ऐसी चीजें जो नहीं समझ में आएगी, बिल्कुल यूट्यूब पे नहीं है। इसके बाद हम देखेंगे पार्टीशन इन्फो, तो जो डम फाइल होती है ये उससे रिलेटेड है। आप देख सकते हैं यहाँ बूट वन जो है वो 4 MIB का बता रहा है, बूट टू है RPMB जो है ये एक हार्डवेयर आईडी होती है जिसके अंदर हम ना इसको रीड कर सकते ना राइट कर सकते, लेकिन हमको दिख रहा है दैट यहाँ है वो। देन आप यहाँ देख सकते हो दैट जो यूज़र एरिया है वो 116.48 दिख रहा है। आप मोबाइल भी अगर लोगे तो उसमें प्रॉपर आपको दिखता है दैट 128 GB है, बट वो स्पेसिफिकली अगर देखा जाए उसको आईसी में तो 116, 117, 118 दिखेगा, बट वो होता 128 का है। तो यूज़र एरिया जो है ये भी इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमारा सारा डेटा फीड होता है, तो वो हमको मिल गया है दैट ये 116 GB दिख रहा है, बट वो 128 GB का है। देन उसके बाद आप यहाँ देख सकते हो दैट ये डिवाइस इज़ नॉट बूटेड इनेबल, तो ये बूटिंग से रिलेटेड है दैट अगर मैं प्रोग्रामिंग करूँगा उसके बाद ये बूट कनेक्टेड हो जाएगा। देन उसके बाद आप यहाँ देख सकते हो दैट यहाँ जो हमारा ईएमएमसी है ये पूरा ब्लैंक है, हमने उसको फैक्ट्री रीसेट करके रखा है, ये पूरा ब्लैंक है। तो अब इसके बाद मैं इसके अंदर प्रोसेस करूँगा और जो भी प्रोसेस मैं करूँगा वो विदाउट डंप होगा, बिकॉज मेरे पास जो ईएमएमसी अभी आया है वो कहीं और से मतलब मैंने लिया हो एंड देन उसके बाद इसके अंदर मैं प्रोग्रामिंग करूँगा। तो मेरे पास जब ये बोर्ड आया था तो उसके अंदर ईएमएमसी नहीं था, तो मुझे पता ही नहीं था दैट उसका डंप फाइल और उसका आईएमईआई बेसबैंड फाइल है या नहीं है। तो मेरे पास एक प्रोसेस है जिसको हम लोग बोलते हैं विदाउट डंप, तो वो विदाउट डंप वाला प्रोसेस मैं इसके अंदर करूँगा एंड ईएमएमसी के अंदर प्रोग्रामिंग करके फिर मैं उसको बोर्ड में फिक्स करूँगा। अरे मुझे बताइए कि हर फोन में डंप फाइल की जरूरत होता है क्या? हर फोन में नहीं जरूरत होती है डंप फाइल के लिए। चलिए प्रोसेस करिए, हमारे व्यूअर्स को थोड़ा दिखाइए क्या प्रोसेस है। तो हम लोग यहाँ सबसे पहले जाएंगे, बिकॉज विदाउट डंप वाला प्रोसेस है, तो हम लोग फैक्ट्री इमेज में जाएंगे सबसे पहले एंड फैक्ट्री इमेज में जाने के बाद सबसे पहले मैं यहाँ सेलेक्ट करूँगा वेंडर प्लेटफॉर्म और ब्रांड में मीडियाटेक सेलेक्ट करूँगा, तो ये मैंने यहाँ मीडियाटेक सेलेक्ट कर दिया हूँ। उसके बाद हमको यहाँ स्कैटर फाइल डालना है, मीडियाटेक का सीपीयू तो हमको जनरली स्कैटर फाइल लगता है, तो वो भी मैंने डाउनलोड करके रखा हूँ। तो यहाँ से मैं
तो ये स्कैटर फाइल यहाँ मुझे मिल गया है, ये स्कैटर फाइल मैं उठाकर अभी स्कैटर की जगह पे इसको डाल दूंगा। ये मैंने यहाँ स्कैटर की जगह पे पूरी स्कैटर फाइल डाल दी हो। स्कैटर फाइल डालने के बाद हमको पार्टीशन जो है, पार्टीशन सेक्शन है, जैसे जैसे डालूंगा तो उसमें पार्टीशन मुझे दिखेगा, तो पार्टीशन में मैं पूरे पार्टीशन को अनटिक कर दूंगा। अनटिक करने के बाद जो प्री लोडर है और जो रीपार्टीशन वाला सेक्शन है उसको मैं टिक लगा दूंगा, और टिक लगाने के बाद उसको मैं राइट कर दूंगा। सोल पार्टीशन को भी अनटिक करो, फिर से करो वो प्रोसेस, मतलब प्री लोडर रीपार्टीशन अनटिक करो, मतलब सारा पार्टीशन को अनटिक कर। ठीक, फिर उसके बाद मैं प्री लोडर और रीपार्टीशन को टिक करूंगा। इसको टिक करने के बाद फिर मैं राइट कर दूंगा। तो ये मैंने राइट कर दिया, ये विदाउट डम प्रोसेस है, एंड यहाँ मुझे दिख रहा है दैट ये प्रोसेस हो चुका है। इसके बाद मैं आइडेंटिफाई EMMC करूंगा प्रोग्राम में जाके। आइडेंटिफाई EMMC में हमको ये एनक्रिप्टेड दिख रहा है, इट मीन्स दैट अभी इसके अंदर हमने जो फाइल है वो डाल दी है। अब इसके बाद जो प्रोसेस है वो हमको बोर्ड पे IC फिक्स करना, बस इतना ही काम है, बस इतना ही है सर, बस इतना ही है, बस इतना ही है। अगर हमें समझना है तो इतने में भी काम चलेगा कि नहीं चलेगा? हो जाएगा सर, चलिए करके दिखाओ। ठीक है सर। Just let me go, please let me go. You like to love so hard and then you throw it away. You like to open scars and then you blame it on me. You're someone I can never be with. You joke about my flaws and weaknesses. शब्द नहीं है सर बयान करने के लिए, लेकिन बहुत अच्छा फील हो रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है। अच्छा बताइए मुझे कि एशिया टेलीकॉम को आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, ये बताइए।
मेरे हिसाब से तो जो YouTube पे नॉलेज ले रहे हो मतलब नहीं है उनका, वो तो 10 साल भी सीखेंगे तो कुछ भी नहीं सीख पाएंगे, यहाँ आ जाएंगे तो एक महीने में बहुत कुछ सीख पाएंगे। और कुछ अपने अंदाज में बताइए जो आपको, देखिए जो सिखाने के हमारे अंदाज है, जो सीखना सिखाने के, देखिए हर एक चीज तो सब कुछ कर सकता है लेकिन खुद करना और दूसरों से कराना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। बहुत ज्यादा सर इस मामले में अगर मतलब कैसा रहा मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस, तो वो बहुत अच्छा था। मतलब मैं अब आप कुछ सोचो सर, मैं 2 साल से दुकान पे हूँ लेकिन मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, और मैं एक महीने में आज इतना कुछ सीख गया हूँ कि मैं आपके सामने बैठ के कुछ कर रहा हूँ। तो आप इमोशन चेंज भी कर रहे हैं, अपना हाँ, भी कर रहे हैं। मैं सच बताऊँ आपको, मैं 2 महीने पहले तक मुझे सिर्फ इतना पता था क्या EMMC नाम की कोई चीज़ होती है और उसकी वजह से प्रॉब्लम आता है तो हमारी दुकान पर वो मोबाइल नहीं बनता है, अच्छा इतना मुझे पता था। लेकिन अब मुझे पता है कि EMMC क्या होती है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ होती है और मैं उसके अंदर क्या क्या चीज़ कर सकता हूँ। अभी मैं अब देखो दैट मेरे पास IC था ही नहीं, मैंने कहीं से जुगाड़ करके IC लिया, वो लेके मैंने प्रोग्रामिंग किया वर्जन मैच करके और अब लगा रहा हूँ और देखो मोबाइल को अपग्रेड भी कर दिया। मतलब वो 2 साल का नॉलेज जो था और वो 1 महीने का नॉलेज है, बहुत भारी हो गया। चलिए अब फोन को आप चालू करके भी दिखाएंगे कि ये फोन चालू हो रहा है कि नहीं। ये डाउनलोडिंग ओके हो गया है, फ्लैशिंग हो गई है। ये देखिए क्या, एक सेकंड, क्या बार मोहसिन जी आपने फोन को अलाइव भी कर लिया है और मुझे दिखाइए थोड़ा सा, ये देख सकते हैं। तो मोहसिन जी बताइए आपका फोन अभी रेडी है? हाँ सर मेरा फोन रेडी है। अब चालू करके दिखा सकते हैं आप? हाँ सर चालू करके दिखा सकते हैं। दिखाइए थोड़ा सा। तो सर आप ये देख सकते हो। अच्छा मुझे बताइए कि ये इसके लिए तो कोई मैंने हेल्प नहीं किया ना आपको? नहीं नहीं सर बिल्कुल, आप अकेले किए? बिल्कुल नहीं, ये सब मैंने ही किया। फोन भी सेकंड लोगों में आ गया है देख सकते हैं। और आप सिर्फ मुझे ये दिखाएंगे कि मेरा जो ये जो आपने अपग्रेड की बात की है, हाँ हाँ, कि अपग्रेड हुआ है कि नहीं? हाँ सर ठीक है। Don't play with my heart, just let me go, please let me go. You like to love so hard and then you throw it away. You like to open scars and then you blame it on me. You're someone I can never be with. You joke about my flaws and weaknesses. अब सिर्फ मुझे सेटिंग में जाके मुझे इतना दिखा दीजिए कि आपका फोन जो है ये 128 GB और 6 GB में कन्वर्ट हुआ है। टच भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है।
सर ये आप देख सकते हैं कि इसका जो रैम है वो 6GB है। एक सेकंड में दिखा देता हूँ दोस्तों, और थोड़ा आगे देखो। अच्छा ये देख सकते हैं रैम 6GB और स्टोरेज आपका कितना हो गया 128GB। यस सर। तो मोहसिन जी खुशी है हमारी। बहुत खुश हूँ सर, मतलब मेमोरी बढ़ा भी सकते हैं तो मुझे सर ये मुझे क्लास स्टार्ट होने के बाद पता चला है। तो बताइए एशिया टेलीकॉम सिर्फ कहता है कि करके दिखाता है? करके दिखाता है सर, कहता है कि मैं खुद कर रहा हूँ, मतलब मैं तो यही बोलूंगा कि करके दिखाता है। करके दिखाता है। यस सर। आने वाले स्टूडेंट के लिए क्या बोलना चाहिए? आने वाले स्टूडेंट के लिए यही बोलना चाहूंगा जितने जल्दी बैग पैक कर सकते हो करो और आ जाओ। बैग पैक करो और आ जाओ। आ जाओ। 28 अक्टूबर की एक बैच है, फटाफट ज्वाइन कर लो। 28 अक्टूबर की बैच है उसमें फटाफट ज्वाइन कर लो। और मोहसिन जी क्या डबल डिकर करने वाले हैं आप? सर बिल्कुल, आज ये कर लिया हूँ तो कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा ऊपर है, बहुत हाई पर है, तो मैं डबल डेकर भी करके जाऊंगा। हर एक चीज प्रैक्टिकली मिल रहा है कि नहीं? बिल्कुल सर, प्रैक्टिकली मिला तभी तो किया सर ये। अच्छा बताइए प्रैक्टिकली होना कितना जरूरी है? या सर मैं आपको डायग्राम पढ़ा दूं, या तो सर मैं थ्योरी पढ़ा दूं, ये लाइन देखो यहां जा रही है, ये नहीं होगा तो ये नहीं होगा, ये प्रैक्टिकली होना कितना जरूरी है? यहां प्रैक्टिकली होना बहुत जरूरी है, सिस्टमैटिक सारी चीजें चलती है, थ्योरी के बाद प्रैक्टिकल होता है, जितनी थ्योरी होती है उतना प्रैक्टिकल भी मिलता है। बिल्कुल, कोई चीज अगर हम बताते हैं कि यहाँ से यहाँ हो रही है तो उसी चीज को हम प्रैक्टिकल भी दिखाते हैं। कोई चीज बोलते हैं कि अगर ये लाइन नहीं आएगा तो ये भी नहीं होगा तो उस चीज को भी हम प्रैक्टिकली दिखाते हैं। कोई चीज अगर हम बोलते हैं कि अगर ये एमएमसी नहीं होगा तो ये काम नहीं करेगा, तो उसको भी हम देखें। अच्छा आज हमने एक फोन में जूझे रहे कम से कम 1 घंटे तक, वो जूझना सही रहा कि नहीं रहा? बहुत सही रहा, बिकॉज वो जूझने से हमको ये पता चला कि कितने टाइप के एरर आ सकते हैं। बिल्कुल, अगर ये फोन सीधा सीधा चालू हो जाता तो हमको ऐसा लगता नहीं है ऐसे ही होगा, लेकिन एरर आते तो हमको पता नहीं चलता। आज हमने देखे तरह तरीके के एरर, मतलब हमने 6 एरर देखे जिसके थ्रू क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, देन हमने उसको लिखा भी कि ये एरर आएगा तो ये प्रॉब्लम है, ये एरर आया तो ये प्रॉब्लम है, अगर एरर रैम का आता है तो वो रैम प्रॉपरली नहीं है, मतलब अगर कभी हमारे पास EMCP है तो उसके अंदर रैम और रोम दोनों है, तो अगर रैम अगर कभी हमारी प्रॉपर कनेक्टेड नहीं है तो हमको एरर बता देगा, तो वो रैम का एरर है, मतलब हमारी रोम कनेक्टेड है लेकिन रैम नहीं है, फ्लैशिंग वगैरह सब हो जाएगी लेकिन रैम के वजह से वो प्रॉब्लम देगा। अच्छा आज आपने एक चीज सीखा कि कोई फोन हमने देखा तो पूरा तो प्रोग्रामिंग कर दिया फिर भी एक फाइल की वजह से फोन चालू हो पाया कि नहीं हो पाया, वो फाइल होना कितना जरूरी है? बहुत जरूरी है, अगर वो फाइल नहीं होगा तो फोन चालू नहीं होगा, उस फाइल का नाम है ओप्पो कस्टम। वेरी गुड, तो चलिए थैंक यू वेरी मच मोहसिन जी, मैं आपको वही बात बोलूंगा फिर से कि बहुत बहुत बधाई मेरी तरफ से, आपको मैं बहुत आशा करता हूँ कि आगे चलकर आप बहुत अच्छा काम करें और अपना नाम रोशन करें एशिया टेलीकॉम के नाम। सर आपका आशीर्वाद रहेगा तो हम बहुत कुछ कर जाएंगे लाइफ में सर। हम हमारी और हमारी टीम की तरफ से आपके हमारी तरफ से आशीर्वाद हमेशा बनी रहेगा, जिसके वजह से हम हमेशा स्टूडेंट को बैकअप सपोर्ट देते हैं, और बैकअप सपोर्ट में आपको जो भी प्रॉब्लम होता है कि नहीं सर ये नहीं कर पा रहा हूँ, मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, मैं यहाँ थोड़ा फंस जा रहा हूँ, या तो फिर ये लेटेस्ट एक सर्किट आया है इसको समझा दीजिए, के लिए हमारे पास बैकअप है। अब खुद भी लाइव देखे होंगे बैकअप में 10-10 स्टूडेंट आए। हाँ, मैंने खुद लाइव देखा हूँ, यहाँ मैं था तो 10 तारीख से बैकअप की क्लास चालू हो गई थी, तो हमने देखा है लाइव बैकअप के बच्चे आते हैं और उनसे कोई भी फीस नहीं ली जाती है। मिस्टर अभी तक कोई YouTube में नहीं बताया होगा। क्या नाम है आपका? संतोष। अभी आप क्या करने वाले हैं? सीपीयू निकल रहा हूँ। कौन सा फोन है ये? MI Y1 है जी। तो अभी आप इसका सीपीयू निकालने वाले हैं। सबसे नंबर वाले सीपीयू।